त्रिशूल एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिया। आज के टॉपिक में हम जानेंगे औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं। तो औसत जो उपभोग प्रवृत्ति है उसको जानने से पहले हम पहले समझेंगे कि उपभोग फलन क्या होता है। तो उपभोग फलन को इंग्लिश में कहते हैं कंजम्पशन फंक्शन, या इसको उपभोग प्रवृत्ति के नाम से भी जाना जाता है। तो यह उपभोग फलन का जो विचार है यह कीन्स का विचार है। तो सबसे पहले उपभोग फलन को जान लेते हैं कि उपभोग फलन आय और उपभोग के बीच के संबंध को बतलाता है। आय और उपभोग के बीच के संबंध को बतलाता है। तो यहाँ पर जो हम उपभोग फलन की व्याख्या करेंगे वह समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से करेंगे, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से करेंगे। ठीक है, कि कैसे करेंगे भी देखते हैं कि आय और उपभोग के बीच क्या संबंध होता है। तो आय और उपभोग के बीच संबंध होता है कि यदि हमारी इनकम क्या होती है, बढ़ती है, तो उसके बाद हमारा जो उपभोग है वह भी बढ़ता है। इस प्रकार से देखिए जो y है यह आय को दिखाता है। ठीक है, ये एरो है ऊपर को, इसका मीनिंग हो गया बढ़ती है। जब आय बढ़ती है तो कंजम्पशन, सिर्फ और कंजम्पशन व्यय की बात हो रही है, उपभोग व्यय की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। तो कहने का मीनिंग क्या है, यदि आय बढ़ती है तो उपभोग भी बढ़ता है, और इसके उल्टा क्या होगा, यदि आय क्या होती है, घटती है, तो उपभोग भी घटता है। यदि आय बढ़ती है तो उपभोग बढ़ता है, और यदि आय घटती है तो उपभोग भी घटता है। तो इस प्रकार का जो संबंध होता है आय और उपभोग के बीच, इसको कहते हैं उपभोग फलन। इसके साथ ही क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में आय लगातार बढ़ती चली जाती है, इनकम बढ़ती चली जाती है, तो उसके बाद उपभोग पर किया जाने वाला व्यय आय की बढ़ने की तुलना में घटने लगता है। क्या होता है, घटने लगता है। तो कुल मिलाकर कहने का अर्थ क्या है कि उपभोग फलन हमें यह बतलाता है कि आय और उपभोग के बीच क्या संबंध होता है, या इन दोनों के बीच के संबंध की व्याख्या करता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि यदि अर्थव्यवस्था की आय बढ़ती है तो उसका खर्चा भी बढ़ता है, जिसको उपभोग व्यय के नाम से जाना जाता है, और यदि आय घटती है तो अर्थव्यवस्था का उपभोग का खर्चा भी घटता है। लेकिन साथ ही बताया कि जब अर्थव्यवस्था की आय ज्यादा बढ़ती है तो उसके बाद जो खर्चा होता है वह बढ़ने की तुलना में कम होने लगता है। तो इस प्रकार से ये हो गया उपभोग फलन, या इसी को कहते हैं उपभोग प्रवृत्ति। और ये जो विचार है किसका है, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स का है। तो उपभोग फलन को हम एक उपभोग अनुसूची के द्वारा और भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। अनुसूची, ठीक है, यहाँ पे हमारी एक अनुसूची बन गई, किसकी, उपभोग की एक तालिका बन जाएगी, कंजम्पशन शेड्यूल की। यहाँ पे दिखाएंगे वाई और हमारा ये हो गया सी। वाई जो है एक इनकम को प्रदर्शित करता है, और सी जो है वो कंजम्पशन या उपभोग व्यय को प्रदर्शित करता है। तो उदाहरण के लिए लेते हैं कि अर्थव्यवस्था जीरो, पांच कम पांच, पांच दो दस, पांच तीन पंद्रह, पांच चौक बीस, पांच पांच पच्चीस और पांच छह का तीस। तो इस प्रकार से देखिए कि वाई अर्थात इनकम क्या होती, पहले जीरो है। जीरो क्यों है यहां पर, क्योंकि यह मंदी काल की स्थिति को भी दर्शाता है कि जब अर्थव्यवस्था की आय बिल्कुल जीरो होती है, ठीक है, तो उस समय कंजम्पशन कितना होगा, उपभोग पर खर्चा कितना होगा, अभी आपको आगे चलकर बताएंगे। पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की आय लगातार बढ़ रही है, पांच रुपए से बढ़कर दस रुपए, फिर पंद्रह रुपए, बीस रुपए, पच्चीस रुपए और तीस रुपए हो जाती है। अब इसी के क्रम में देखते हैं कि उपभोग पर अर्थव्यवस्था का खर्चा कितना कितना होता है, या आदमी कितना कितना खर्च करता है। ठीक है, तो जब जीरो इनकम है तब भी व्यक्ति क्या करेगा, उपभोग पर खर्च करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि मंदी काल में इनकम तो जनरेट होती नहीं है, अर्थात आय का स्तर गिर जाता है, तो आय हो जाती है व्यक्ति की जीरो, अर्थव्यवस्था की आय हो जाती है जीरो। तो ऐसी स्थिति में उपभोग तो बंद नहीं किया जा सकता है, क्योंकि व्यक्ति को उपभोग करना बहुत जरूरी है, यदि हम उपभोग नहीं करेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते हैं। इसलिए आय का स्तर यदि शून्य है तब भी व्यक्ति पिछली जो बचत है, जो उसने बचाया है, पहले कमाया था उसमें कुछ बचाया भी तो होगा, तो उसी में से वो खर्च कर लेता, माना तीन रुपया। ओके, तो जीरो, यदि आय जीरो है लेकिन उपभोग कभी भी जीरो नहीं होगा, इसलिए उसका खर्चा तीन रुपये हो गया। इनकम क्या हुई, पांच रुपये जनरेट हुई, पहली अवस्था हुई, और व्यक्ति ने खर्च कर दिया
8 रुपए, ठीक है। अर्थात इनकम से ज्यादा खर्च कर रहा है, इसका मीनिंग उसके पास पहले से पैसा है, ओके, बचत का। फिर 10 रुपए हो जाता है, ओके जी, वो 10 की जगह क्या करता है, 12 रुपए खर्च करता है, ओके। अगली बार क्या होती है कि 15 रुपए हो जाता है, तो वह 15 रुपए ही क्या कर देता है, खर्च कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि 20 रुपए इनकम हो जाती है, ठीक है, तो 20 रुपए की जगह वो क्या करता है, 18 रुपए खर्च करता है। 25 रुपए हो जाती है, ठीक है, उसकी जगह वह 20 रुपए खर्च करता है। और 30 रुपए हो जाती है, तो वह 25 रुपए खर्च करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे नजर डालिए कि पहले व्यक्ति देखिए, जब इनकम 0 है तो 3 रुपए खर्च कर रहा है, जब इनकम केवल 5 रुपए है, 8 रुपए खर्च कर रहा है, 3 रुपए एक्स्ट्रा खर्च कर रहा है। इनकम अर्थव्यवस्था की बड़ी 10 रुपए हुई, अभी भी उससे वह 2 रुपए ज्यादा खर्च कर रहा है। उसके बाद एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहां पर, यहां पर देखिए कि जहां पर इनकम का स्तर 15 रुपया है और अर्थव्यवस्था का खर्चा भी 15 रुपए हो जाता है, अर्थात आय जितना इनकम जनरेट हुई अर्थव्यवस्था में, वहां पर उतना ही खर्च हो गया। उसके बाद देखिए आय और बढ़ती है, तो उसके बाद क्या होता है, उपभोग व्यय घटने लगता है, ठीक है। इसके आय की तुलना में पहले 20 रुपए देखे, 20 रुपए नजर डाली, 20 रुपए 18 रुपया हो गया, पहले 15 रुपए था, अब देखिए 25 हुआ तो खर्चा और कम हो गया, और 30 रुपए हुआ और तो हर खर्चा क्या हो गया, कम हो गया। तो इस प्रकार से देखिए कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, तो उसके बाद क्या होता है कि एक स्थिति ऐसी आती है कि व्यक्ति का जो खर्चा होता है वो आय की तुलना में घटने लगता है। तो इस प्रकार से जो यह उपभोग अनुसूची है, यह क्या बतला रही है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न आय स्तरों पर उपभोग पर कितना खर्च हो रहा है, कंजम्पशन जो एक्सपेंडिचर है वो कितना कितना हो रहा है। तो इस प्रकार से यह जो उपभोग अनुसूची है, यह उपभोग फलन को बतलाती है अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के उपभोग फलन को बतलाती है। क्योंकि जो उपभोग फलन है, इसका जो हम अध्ययन करेंगे, ये समष्टि अर्थशास्त्र की दृष्टि से कर रहे हैं, भले मैं व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूं बीच में, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र किसी एक व्यक्ति की आय का अध्ययन नहीं करता है, वह समस्त व्यक्तियों के समूह का अध्ययन करता, अर्थात समस्त अर्थव्यवस्था का अध्ययन करता है। तो यहां पर जो इन आय बढ़ रही है, इसका मतलब ये राष्ट्रीय आय बढ़ रही है और ये राष्ट्रीय खर्चा है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया उपभोग फलन। तो इसी उपभोग फलन को हम किस प्रकार से दिखला सकते हैं, समीकरण के द्वारा, C बराबर फंक्शन ऑफ Y, इसका मीनिंग क्या हुआ, C फॉर कंजम्पशन, F फॉर फंक्शन, Y का अर्थ हुआ आय, अर्थात जो उपभोग है वो आय का फलन है। जैसे क्यों है, क्योंकि आय बढ़ेगी तो उपभोग बढ़ेगा, ठीक है, आय घटेगी तो उपभोग घटेगा, जो मैंने यहां पर आपको बताया, ओके। तो इस प्रकार से समीकरण के रूप में भी हो सकता है। अब इसको हम लेते हैं डायग्राम पे कि जो ये उपभोग फलन है डायग्राम पे किस प्रकार से आएगा। इसके लिए देखिए इस प्रकार से हमने दो अक्ष लेने हैं, ये हमारा हो गया एक्स, यहां पे लिखेंगे ओ, यहां पे आ जाएगा हमारा एक्स अक्ष का जो हमारा टाइटल हो गया, हो जाएगा इनकम आय, और ये हो जाएगा उपभोग। तो इस प्रकार से जो ये रेखा चित्र है, यो आय और उपभोग के बीच के संबंध को बतलाएगा कि जो कि हमने यहां पे बतलाया आपको, ठीक है। तो इसके लिए करना क्या, आपने यहां मूल बिंदु से यहां से ऊपर की ओर एक रेखा ड्रॉ करनी है, ठीक है, 45 डिग्री के कोण पे, और यहां पर लिख देना आय। तो यह आय की रेखा है जो क्या बतला रही है, ऊपर की ओर जा रही है, तो आय बढ़ रही है, तो आय बढ़ने के साथ क्या बतलाया कि आय बढ़ने के साथ उपभोग भी बढ़ता है। और ऐसा मान लिया जाता है कि आय और जो उपभोग है कि जैसे जैसे आय बढ़ती है उतनी उतनी क्या होती है, उपभोग भी बढ़ता है, इसलिए ये रेखा सीधी हो जाती है। वास्तविक जीवन में तो होती नहीं है, लेकिन इसको सीधा मान लिया जाता है, एकदम से लीनर कर्व बन जाता है, रेखिया क्या बन जाता है, वक्र बन जाता है सीधा, ओके। अब हमने क्या करना है, ये तो हमने आय को दिखा दिया, अब इस हमने दिखाना है कंजम्पशन। अब क्या करेंगे, यहां पर एक बिंदु लेंगे इस प्रकार से, और यहां से यूं करके अर्थात बढ़ता हुआ लेंगे ऊपर की तरफ, और इस पे लिख देंगे सी, ठीक है, और यहां पे भी लिख देंगे सी, सी फॉर हो गया कंजम्पशन। अब यहां पे देखिए, ये तो आय की रेखा जा रही है और ये उपभोग की रेखा जा रही है, तो अभी देखेंगे उपभोग अर्थात 0 पे नहीं है उपभोग, जैसे पहले बताया कि उपभोग 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, कि उपभोग 0 नहीं हो सकता है, इसलिए ऊपर से दिखाया, 0 होने का अर्थ है कि कुछ खाना पीना नहीं है, ओके।
तो बिना खाए पिए तो आदमी जिंदा नहीं रह सकता, पहले चर्चा कर चुका हूं, इसलिए कंजम्पशन ऊपर से दिखाएंगे, ठीक है। अब देखिए आय की रेखा तो भी नीचे है, इसका मतलब क्या हो गया, आय कम है और उपभोग ज्यादा हो रहा है। लेकिन जब व्यक्ति क्या करता है, उपभोग को बढ़ाता है, बढ़ाता बढ़ाता है, और यहां पे देखिए यहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, दोनों क्या रहते हैं, बराबर हो जाते हैं। और यहां पे मैंने लिख दिया ए, तो यहां से हम क्या करेंगे, एक नीचे खींचेंगे लाइन और इस पे लिख देंगे वाई वन, ठीक है। तो वाई वन क्या दर्शा रहा है कि इतनी हमारी क्या है, आय है। तो उस समय जो हमारा उपभोग है वो कितना है, ए से लेकर और वाई वन है, ठीक है। उपभोग है ए वाई वन और आई कितनी है, ओ वाई वन, ओके। तो जहां पर ये आय और उपभोग क्या हो जा रहा है, बराबर हो जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि जितनी इनकम हुई, ओके, जितनी आय अर्थव्यवस्था को प्राप्त हुई, जनरेट हुई, उतना ही पूरा का पूरा खर्च हो गया, ओके। इसलिए दोनों यहां पर क्या होगी, बराबर हो गई। तो जहां पर ये बराबर हो रही है ए पॉइंट पर, इसको कहते हैं इंग्लिश में ब्रेक, बी आर ई ए के इवन, ई वी ई एन पॉइंट, क्यू आई एन टी, ठीक है। क्या कहते हैं इसको, ब्रेक इवन पॉइंट इसको कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसको सम भेदन बिंदु, ओके, सम भेदन बिंदु कहते हैं। यदि आपको लिखना होगा तो इस प्रकार से यहां से डैश करके, ठीक है, एक एरो दिखा करके यहां उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए जो पॉइंट है उसको क्या कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा सम भेदन बिंदु, इंग्लिश में कहेंगे ब्रेक इवन पॉइंट, ओके। तो यहां पर इस प्रकार से हमने दिखा दिया, इसी को हम यहां से भी कर सकते हैं, कितना व्यक्ति उपभोग कर रहा है, तो यहां पर लिख देंगे सी वन, ओके। इस प्रकार से इतनी आय पर उपभोग C1 हो गया, ओके। अब देखिए ये कंजम्पशन देखिए नीचे आ गई, अब आय की रेखा क्या हुई, ये Y की ऊपर चली गई, ओके। तो अब देखते हैं कि यदि आय बढ़ती है तो उपभोग कितना होता है, तो हम यहां पर देखते हैं इस बिंदु पर, ठीक है, इस बिंदु पर हम यहाँ पे एक लाइन नीचे को खींचेंगे और इस पे लिख देंगे B, और अगला जो आय का स्तर हो जाएगा ये हो जाएगा वाई टू। तो वाई वन से वाई टू आय क्या है, ज्यादा है, इधर की तरफ इनकम क्या है, ज्यादा है। इस प्रकार से इसके बीच यहां से लेकर यहां तक बढ़ गई है। अब देखते हैं कि इस बी पॉइंट पर जो उपभोग है वो कितना है, उपभोग जो है वो बी से लेकर और वाई टू तक है, ओके, बी से लेकर वाई टू तक है, जबकि इनकम क्या है, वो वाई टू है। तो यहां पर इसको यहां से मिलाते हैं, इस प्रकार से डॉट डॉट करके एक रेखा यहां मिलाते हैं और इसको लिख देते हैं सी टू। अब यहां पे नजर डालिए कि देखिए आय जो यहां से लेकर यहां तक बढ़ी, अर्थात ये एरो के बीच बढ़ी, लेकिन सी से लेकर सी तक टू तक जो उपभोग का गैप देखिए, आय तो ज्यादा बढ़ी लेकिन उसकी तुलना में आप देख रहे हैं यहां पर कि उपभोग कम बढ़ा है, उपभोग कम बढ़ा है, जिसके बारे में पहले बताया कि यदि इनकम ज्यादा बढ़ती है अर्थव्यवस्था में तो फिर उपभोग घटने लगता है, अगर आय की आय ज्यादा बढ़ जाती है तो उपभोग घट जाता है, घट जाता है, तो फिर होता क्या है, जब व्यक्ति ने यह अर्थव्यवस्था की आय ज्यादा हो गई और यहां पर बता रहे हैं कि उपभोग इतना हो गया तो बाकी आय कहां गई, तो इसका मीनिंग हो गया कि जितना उसने खर्चा कर दिया, इतना खर्च कर दिया, तो उसके पास जो शेष आय बचेगी उसे कहेंगे बचत। तो कहने का अर्थ क्या है, जब आय ज्यादा बढ़ती है तो धीरे धीरे खर्च कम होता है और बचत बढ़ने लगती है। तो इस प्रकार से यहां पे देखिए, इसको थोड़ा लेते हैं, यहां से लेकर यहां से देखिए कि यहां से यहां तक, ओके, इसको गाढ़ा कर लेते हैं, यहां से बी से लेकर और सी तक यहां देखिए, ठीक है, यहां तक जो हमारा हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, क्योंकि उपभोग तो नीचे चला गया और ऊपर हो गया इनकम, तो इसके बीच जो गैप बन रहा है इतना हो जाएगा बचत। क्या हो जाएगा, बचत, बी से लेकर और सी के बीच इतना जो अंतर है ये हो जाएगा बचत, क्योंकि उपभोग व्यक्ति का कम हो चुका है जबकि ज्यादा आय हो चुकी है। तो व्यक्ति की जब आय ज्यादा होगी और खर्च कम होगा, माना व्यक्ति के पास 100 रुपया है, ओके जी, तो पहले उसका कंजम्पशन यदि 100 ही रुपया है तो बराबर हो गया। यदि व्यक्ति की इनकम क्या हो जाती है, 100 रुपये से बढ़कर
₹10,000 हो जाती है तो व्यक्ति का खर्चा कितना होता है, उसका खर्चा उसने 5,000 कर दिया तो फिर क्या हो गया, ₹5,000 बच जाएंगी। तो 5,000 क्या करेगा, बचत करेगा। ओके, 5,000 क्या करेगा, बचत करेगा। तो उपभोग तो बढ़ा लेकिन क्या हुआ, साथ में बचत भी बढ़ गई, पहले तो बचत जीरो थी। तो यही यहां पर बतलाया जा रहा है। ओके जी, तो ये जो रेखा चित्र है ये है किसका, उपभोग फलन का। उपभोग फलन के बाद अब आता है उपभोग फलन के प्रकार। तो जो उपभोग फलन है वह दो प्रकार का होता है। पहला जो उपभोग फलन है वह है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं APC, और दूसरा आता है MPC अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो इस प्रकार से उपभोग फलन हो गया दो प्रकार का। तो यहां पर हम अध्ययन करेंगे आगे कि औसत उपभोग प्रवृत्ति किसे कहते हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि औसत उपभोग प्रवृत्ति और जो MPC है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो यहाँ पे केवल चर्चा होगी, जैसा टॉपिक लिखा हुआ है औसत उपभोग प्रवृत्ति, जिसको शॉर्ट में कहते हैं APC। तो APC क्या होता है, यहाँ पे सूत्र है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति बराबर होता है C/Y। ठीक है, तो Y का अर्थ हुआ कुल आय, अर्थात अर्थव्यवस्था में जितनी आय क्या होती है किसी समय होती है कुल आय। ठीक है, और सी हो जाएगा कुल उपभोग। ठीक है, अर्थव्यवस्था का। तो क्या करना है कि कुल आय में से व्यक्ति कुल कितना उपभोग पर खर्च करता है। ठीक है, कि कुल इनकम में से कुल कंजम्पशन कितना होता है, तो इन दोनों के बीच के अनुपात को कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। क्या कहते हैं, औसत उपभोग प्रवृत्ति। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति में बतलाती है कि अर्थव्यवस्था में कुल आय में से कुल उपभोग पर कितना खर्चा होता है, इसके अनुपात को बतलाने का काम जो करता है उसे कहते हैं APC। तो इसका फॉर्मूला है C/Y। हिंदी में लिख दिया C का मीनिंग कुल उपभोग और Y का मीनिंग लिख दिया कुल आय। ओके, तो APC कैसे ज्ञात करेंगे, तो APC ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, माना कि अर्थव्यवस्था की आय है कितनी, ₹2,000। ठीक है, आय है ₹2,000 और जिसमें खर्चा होता है ₹1,000। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि 2000 का भाग हमने क्या करना है, ₹1,000 में देना है। तो ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा यहां पर आएगा 0.5। ठीक है, सीधी सीधी बात है कि ₹2,000 है इनकम और उसमें से खर्चा हो रहा है 1,000, तो इसका मीनिंग क्या हो गया कि 1,000 बचत हो रही है, इसलिए यहां पर जो APC की वैल्यू आ गई वो आ गई 0.5। कितनी आ गई, 0.5, या इसको हम कह सकते हैं 50%। व्यक्ति उपभोग पर जो खर्चा कर रहा है वह 50% खर्चा कर रहा है, और 50% कहां गया, वह बजा लिया गया। तो इस प्रकार से हम APC की वैल्यू निकाल सकते हैं। परिभाषा हम पहले आपको बता चुके हैं कि कुल आय में से कुल उपभोग पर जितना खर्चा होता है उसके अनुपात को कहते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। ओके, तो जो औसत उपभोग प्रवृत्ति है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है, यहाँ पे बताया, यहाँ पर APC को हम एक अनुसूची के द्वारा भी उसके विभिन्न आय स्तरों पर, विभिन्न आय स्तरों पर अलग अलग ढंग से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है वाई, ये हो गया आय, सी हो गया उपभोग व्यय, और यहाँ पर करना है APC ज्ञात करना है। पहले बताया कि यदि इनकम जीरो है तब भी उपभोग होगा, तो ₹500 दिखा रखा है। आय क्या हो जाती है, 1,000, फिर 2,000 बढ़ती है, फिर 3,000, फिर 4,000, 5,000 बढ़ती है। तो उपभोग भी क्या होता है, बढ़ता है। पहले 1,000 है आय है, 1,000 खर्चा है, 1,000, फिर 2,000 इनकम होती है, फिर 1,800 खर्चा है, 3,000 होती है तो 2,400 खर्चा है। इस प्रकार से 5,000 आय होती है तो 3,000 खर्चा है। तो करना क्या है आपने, कि जैसे यहाँ पे देखा C/Y, ये सी है, ठीक है, और ये वाई है, तो 1,000 का भाग 1,000 में दिया तो इकाई आ गया। उसके बाद क्या करेंगे, सेम ऐसे ही वाई, 2,000 का भाग 1,800 में देंगे, 3,000 का भाग 2,400 में देंगे, 4,000 का भाग इसमें देंगे, 5,000 का भाग इसमें देंगे। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर APC का मान निकाल रखा है। पहले तो यहाँ पर आ गया, कुछ नहीं निकलेगा, फिर एक है, इकाई के बराबर है, फिर 0.9 है,
फिर 0.8 है, फिर 0.7 है, फिर 0.6 है, ओके। तो ये क्या बतला रहा है कि जैसे जैसे इनकम क्या हो रही बढ़ रही है, तो एपीसी का मान आप देख रहे हैं, इस तालिका को देखकर हम बता सकते हैं कि एपीसी का मान लगातार घट रहा है, ओके। इकाई मीन तो पूर्ण संख्या होगी, लेकिन 0.9 अर्थात आदमी 90% खर्च कर रहा है आय का, लेकिन जैसे जैसे इनकम बढ़ जाती है तो अंतिम में देखिए केवल 60% खर्चा कर रहा है। इस प्रकार से जैसे जैसे क्या होता है आय बढ़ती है, ठीक है, तो औसत जो उपभोग प्रवृत्ति है वो क्या होती है, घटती है। इनकम ज्यादा बढ़ती है और खर्चा घट जाता है, किस पे, उपभोग पर, अर्थव्यवस्था का। इसको हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा x, यहाँ पर y, यहाँ पे o, यहाँ पर हमारा वही i, क्योंकि ये भी i और उपभोग के बीच के संबंध को बतलाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम दो डायग्राम के माध्यम से इसको समझेंगे, एक तो हम नॉन लीनियर और एक ही, ठीक है, जो वक्राकार होगा, और एक सीधी रेखा के द्वारा भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से रेखा चित्र पर औसत उपभोग प्रवृत्ति को मापा जाएगा, ओके। ये तो हमने गणितीय रूप में बताया, अब रेखा चित्र पे आएंगे, ठीक है। क्या करेंगे इसके लिए कि आप यहां से ऐसी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ये कर्व हो गया, इस पर लिख दीजिए सी और इस पर भी लिख दीजिए सी, ओके जी। यहां पर हमने क्या करना है, इस पॉइंट पर इसका नाम रख दिया हमने ए, यहां पर वाई वन आई का स्तर है, तो उस समय उपभोग कितना है, वह ए वाई वन है, अर्थात आई का स्तर है ओ वाई वन, तो उपभोग है उस समय ए वाई वन, तो यहां से भी इसको मिला सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से यहां और यहां पर दे दिया कंजम्पशन, तो इतनी इनकम, ठीक है, और उपभोग इतना, ओके। अब इतनी बात तो हुई, लेकिन इसके बाद आगे देखिए, ये जो कर्व है एकदम से कैसे हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, पहले देखिए ऊपर की ओर चढ़ रहा है, लेकिन इसका ढाल कम हो जाता है, ठीक है। और यहां पर हम देखेंगे कि इनकम कितनी हो रही है, इनकम तो वाई टू हो गई, कितनी ज्यादा हो गई, ओके जी। लेकिन यहां पर हम उपभोग को देखेंगे, यहां पर इस पॉइंट पे इसको कह दिया बी, तो आप देखिए ये तो हो गया सी वन और ये हो गया सी टू, तो यहां पे देखिए इनकम तो ज्यादा, अर्थात इसका बॉक्स ज्यादा है, जबकि उपभोग सी वन से लेकर सी टू के भी इतना उपभोग बढ़ा है, ओके। तो ये रेखा चित्र हो गया, ये नॉन लीनियर है, अर्थात एक कर्व के रूप में है, तो कर्व के रूप में भी इसके ढाल के द्वारा, ठीक है, इसके ढाल के द्वारा, जैसे ए पर और बी पर देखा, ए पर जो ढाल है वह ज्यादा है और बी पर क्या है, कम है। तो ये क्या बतला रहा है कि यदि आय वाई वन से वाई टू हो जाती है तो उसकी तुलना में कंजम्पशन सी वन से सी टू के बीच जो बढ़ता है वो कम बढ़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया किसका रेखा चित्र, औसत उपभोग प्रवृत्ति का रेखा चित्र, ओके। ए बिंदु पर ढाल ज्यादा है और बी बिंदु पर कम हो जाता है, ठीक है। तो ढाल के द्वारा हम क्या करेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति को मापेंगे, ठीक है। तो औसत उपभोग प्रवृत्ति में हमें देख रहे हैं कि इनकम अर्थात आय ज्यादा बढ़ रही है और उपभोग क्या हो रहा है, कम बढ़ रहा है, ओके जी। आगे चलते हैं, ये तो रेखा चित्र जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा आय, ठीक है, और यहां पे सेम उपभोग। तो ये रेखा चित्र हमने कहा नॉन लीनियर है, अर्थात और ये क्या सीधी रेखा नहीं है, ये सीसी जो है सीधी रेखा नहीं है, लेकिन अब हम एक लीनियर कर्व बनाते हैं, लीनियर कंजम्पशन फंक्शन, इस प्रकार से ये 45 डिग्री पर हमारा आएगी रेखा, हमने इसको ड्रॉ कर दिया, ओके जी। अब यहां से हम एक क्या करेंगे, कंजम्पशन की रेखा इस प्रकार से ड्रॉ करेंगे, सी सी हो गया हमारा, ठीक है जी, इतना हमने कर दिया। अब इसके क्योंकि यहां पर आय अभी नीचे है, उपभोग ज्यादा है, यहां पर दोनों बराबर हो जाते हैं, ओके, अर्थात आय और व्यय इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाते हैं। अब हम जानना चाहते हैं कि इससे आगे कि इस बिंदु पर अर्थात इसका नाम रख दिया ए, ए पर यहाँ नीचे करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि जब आय इतनी है तो यहाँ पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ए पॉइंट पर कितनी होगी, तो यहाँ पर हम जानेंगे ढाल के द्वारा, ठीक है, कि ढाल के द्वारा और अगला पॉइंट और उसके बाद दूसरा पॉइंट यदि इनकम बढ़ती है तो इस पॉइंट का नाम रख देंगे बी और इसको यहां से नीचे ले लेते हैं, ये हो गया वाई टू,
तो देखेंगे कि ए से लेकर और बी तक इनकम यहां से यहां बढ़ रही है, तो देखेंगे कि उपभोग पर क्या असर पड़ रहा है, उपभोग इसकी तुलना में ज्यादा बढ़ रहा है या कम बढ़ रहा है, अभी इसको यहां पे नापेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यहां से इसी बिंदु से ठीक है डॉट डॉट करके डॉट 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 इस प्रकार से, और इसको यहां मिलाना है ठीक है, ये डॉट हो गया डॉट 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 करके और इस प्रकार से ये हो गया ओके, बात तो यहां मिल गया ओके। अब आगे इसी पे जाएगा ये आगे ठीक है, इसको डॉट 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 करते हुए ठीक है, और इसको यहां मिला देना है ओके। तो इस प्रकार से अब हमने क्या देखना है, ए पर जो ढाल आ रहा है यहां से ठीक है, ये ज्यादा ढालू है अर्थात इसका ढाल ज्यादा है ओके, और आगे चलकर इसका ढाल का ज्यादा कम हो जाता है ठीक है। तो यहाँ पे कंजम्पशन देखेंगे कि इनकम तो इतनी बड़ी आय इतनी बड़ी, तो कंजम्पशन यहाँ पे भी हम जान सकते हैं कितना देखे, पहले ये हो गया सी वन ठीक है, अब देखते हैं यहीं पे ये हो गया हमारा यहाँ पे अंदर की तरफ लिखा सी टू। तो यहाँ पे देखिए आय बड़ी ज्यादा और उपभोग बड़ी कम ओके। तो इस प्रकार से ये जो हमने ये लाइन खींची यहाँ पे, तो यहाँ पर ढाल है ज्यादा ठीक है, और उसके बाद ढाल हो जाता कम, तो ढाल कम होने पे क्या होता है, इनकम तो ज्यादा बढ़ रही है लेकिन यहाँ उपभोग हम इस वाई अक्ष पर माप रहे हैं, तो उपभोग क्या जा रहा है, घट जा रहा है ओके। तो इस प्रकार से चाहे इसके द्वारा दिखाओ चाहे इसके द्वारा दिखाओ ठीक है, कोई डिफरेंसेस नहीं है, दोनों ही जो मापे जा रहे हैं ये बतला रहा है, वह ये बतला रहा है कि यहां पर औसत उपभोग प्रवृत्ति ठीक है, और यहां पे भी औसत उपभोग प्रवृत्ति कैसे नापी जाएगी या रेखा चित्र पर कैसे दर्शाई जाएगी।